आज ऑफिस पे एक नया लड़की आई है काम के लिए और पहले दिन ही उसकी गजब बेइज्जती कर दी। क्यों, किसने किया उसका बेइज्जती? अरे मैंने। क्यों, क्यों किया ऐसा? अरे मैं एक कॉलिग को एक सवाल पूछ रहा था जनरल नॉलेज वाला। तो दोस्तों कैसे हो तुम सब? मैं तो ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हुआ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, पर अभी मैं दुरुस्त हूँ। फिर से नया नया चुटकुले का वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सब तैयार है? हो, मुझे पता था अब सभी का इस प्यार ने मुझे जल्दी से ठीक कर दिया, नहीं तो आज भी मैं शायद हॉस्पिटल में रहता। थैंक यू बहुत सारा प्यार देने के लिए। हो, चलिए शुरू करते हैं आज का चुटकुला। अपने घर पे बैठ के एक पति और पत्नी कुछ बातचीत कर रहा था, तभी पति ने बोल उठा, हा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अरे यार बोलो मत, आज ऑफिस पे एक नया लड़की आई है काम के लिए और पहले दिन ही उसकी गजब बेइज्जती कर दी। क्यों, किसने किया उसका बेइज्जती? अरे मैंने। क्यों, क्यों किया ऐसा? अरे मैं एक कॉलिग को एक सवाल पूछ रहा था जनरल नॉलेज वाला, अरे वो लड़की हाथ उठा के बोल उठा, उसका जवाब दे दिया और वो जवाब भी गलत था। अरे बाबू, वो सवाल क्या था, मैं भी तो सुनूं थोड़ा। अरे मैंने उससे पूछा कि सपोज पकड़ ले कि तेरा उम्र है 10 साल और तेरा भाई का उम्र है तेरे से आधा, तो 20 साल बाद उसका उम्र कितना होगा? अरे इतना आसान सवाल दे नहीं पाया। वो लड़के का अगर उम्र 10 साल हो अभी, 20 साल बाद उसका उम्र होगा 30 साल, और उसका भाई का उम्र अभी है उससे आधा मतलब 5 साल, तो 20 साल बाद उसका उम्र होगा 15, उसका आधा 30 का आधा 15। हो, तो दोस्तों कैसा लगा आज का चुटकुला? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? अगर आपको भी ऐसा चुटकुला पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करके सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रोज नया नया चुटकुला वाला स्टोरी या कोई भी स्टोरी लाते रहता हूँ कार्टून वाला, ठीक है? चलो दोस्तों बाय, आज के लिए बस इतना ही।